हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 10 का 10.1 हमने कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। आज हम करने वाले हैं 10.2। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, है ना, एसएस कर दीजिए बस, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ एम की वैल्यू 2 है तो फाइंड करना है हमें इनकी वैल्यूज़। तो बहुत ही ईजी है, जस्ट एम की जगह 2 रखना है एंड हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम उसको करके देख लेते हैं ना। राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें लिखना है एम माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, ये एम की जगह 2 रखो, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, 3m-5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 5 इक्वल्स टू 3×2=6 - 5, आंसर आ जाएगा 1। बस m की जगह वैल्यू पुट करनी है। थर्ड क्वेश्चन, 9 - 5m, आंसर हो जाएगा 9 - 5 2×10, 9 - 10 इक्वल्स टू, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3m² - 2m - 7, आंसर आएगा 2 है ना, 2² - 2×2 - 7। देखो 2×2=4, ये 4 हो जाएगा, 4×3=12, ये -2 है, 2×2=4, तो -4 एंड -7, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 7 = 11 हो जाएगा, 12 में से 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमें पी की जगह -2 को पुट करना है एंड फाइंड करना है इनकी वैल्यूज़। तो बस इसको भी कर लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 4p + 7, आंसर आ जाएगा 4 × -2 + 7, 4×2=8, तो -8 + 7, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। साइन किसकी रहेगी, बड़े वाले की, तो आंसर आ जाएगा -1, है ना। तो इतने इजी तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। सेकंड है, सेकंड में वैल्यू पुट करना -3p² + 4p + 7, आंसर आ जाएगा -3। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2² + 4 - 2 + 7, यहाँ पे 2×2=4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×3=12, तो -12 हो जाएगा एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4×2=8, तो -8 + 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 12 - 12 एंड -8 20 हो जाएगा, -20 + 7, आंसर आ जाएगा -13, है ना, माइनस प्लस माइनस तो 13 आ जाएगा और ये साइन बड़े वाले की तो 13। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन इसका 3 वाला है, मैं इसको यहीं पे लिख के बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, -2p³ - 3p² + 4p + 7, है ना, इसको कैसे करेंगे, देखो बस वैल्यू पुट करना है, -2p² - -2³ - 3 - 2² + 4 - 2 + 7। अब बस इनको सॉल्व कर दो, ये -2 और ये देखो -2³ करोगे तो आंसर आ जाएगा -8 और ये इसका देखो क्या हो जाएगा, 2×2=4, तो +4 हो जाएगा, -3×4 कर दो, प्लस ये 4×2=8, तो यहाँ पे 8 लिखो और ये माइनस हो जाएगा, -8 होगा और ये +7। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, -2, देखो -2 और इसको यहीं से लिखो, -2 और -8 16, है ना, और ये माइनस और ये प्लस, तो -3×4=12 और ये -8 ऑलरेडी था और +7। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 और ये प्लस, प्लस वाले पहले प्लस कर लो, 16 और 7 क्या हो जाएंगे, 23 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20, -20 + 23 आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 आएगा, सिर्फ 3, क्योंकि ये बड़ा वाला 23 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमें एक्स की जगह -1 पुट करना है ना। तो चलो करके देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक्स की वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला है, -1 और -7, आंसर आ जाएगा 2×2 - 2 और -7, माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 एंड साइन माइनस की।
क्योंकि दोनों माइनस है, तो ये माइनस नाइन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस एक्स प्लस टू, बस वैल्यू पुट कर दो, माइनस तो पहले से ही, माइनस वन प्लस टू, ये माइनस 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 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, वन प्लस टू आंसर आ जाएगा थ्री। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू और माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन, और ये माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू प्लस वन, ये और ये दोनों प्लस हैं तो वन वन टू हो जाएगा, टू और ये माइनस टू, आंसर आ जाएगा ज़ीरो। फोर क्वेश्चन नंबर है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, टू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस एंड माइनस वन माइनस टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वन माइनस वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, वन टू ज़ार टू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू प्लस वन थ्री और ये माइनस टू, आंसर आ जाएगा वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर है जिसमें ए की वैल्यू टू रखनी है, बी की वैल्यू माइनस टू एंड फाइंड आउट करने हैं तीन क्वेश्चन को, तो चलो ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर के वन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू है, बी की वैल्यू क्या है माइनस टू है, तो बस टू टू ज़ा फोर और ये माइनस का स्क्वायर तो दो बार करोगे तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, तो आंसर एट आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए की वैल्यू टू के स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू माइनस टू है प्लस माइनस टू का स्क्वायर, क्या आ जाएगा टू टू ज़ा फोर प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, तो टू टू ज़ा फोर, तो यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे माइनस फोर नहीं लगा, माइनस फोर, और ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, तो प्लस फोर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस जीरो हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ फोर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर थ्री है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बस ए की वैल्यू टू का स्क्वायर माइनस माइनस टू का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा फोर, और ये माइनस ये टू टू ज़ा फोर, तो ज़ीरो। इतना आसान था क्वेश्चन नंबर फोर, है ना। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए ए की जगह ज़ीरो लिखना है और बी की जगह माइनस वन, तो बस पुट करते जाओ, टू ए की जगह ज़ीरो है, अब यहाँ पे प्लस टू की टू इंटू माइनस वन, तो आंसर रह जाएगा ज़ीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो आंसर आ जाएगा आपका टू, सॉरी माइनस टू आएगा, है ना, क्योंकि ज़ीरो है बस। सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, तो बस वैल्यू पुट कर दो, टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो का मल्टीप्लाई करोगे प्लस बी की वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो बस ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस वन प्लस वन, तो आंसर क्या आ जाएगा टू, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर थ्री है टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो बस इसमें भी वैल्यू पुट करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो टू, देखो यहाँ पे ए है ना, तो जस्ट ज़ीरो ही हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस इसमें भी ज़ीरो, एक ए है ना तो मल्टीप्लीकेशन में ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो, अब यहाँ पे भी ए है तो फिर से ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर ज़ीरो ही आएगा इस वाले में, बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा प्लस टू, तो आंसर है इसमें सिर्फ टू बचेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फाइव को किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे किया, जहाँ पे ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू ही निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन और सिक्स से मतलब टेन तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मतलब टू एस को ध्यान रखना, ठीक है, बाय।